हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लेकर के। दोस्तों, क्या सच में वैकेंसीज आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है? दोस्तों, कितने पदों पर भर्ती आने वाली है? दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों देखने को एक नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पर, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट में रेलवे ने करीब 15,000 वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया था दोस्तों, वो गेटमैन की पोस्ट को वो भी इंक्लूड करने वाली है, उसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज लगभग दोस्तों यहाँ पर मैं अनुमानित बता दूँ, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है, सब लोगों ने यहाँ पर अनुमान लगाया है दोस्तों, 50 से 60 हज़ार के आसपास लगभग भर्ती आने वाली है। ये दोस्तों मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और वो दोस्तों वैकेंसीज आपकी नवंबर या दिसंबर में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लगभग गेटमैन की 15,000 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया गया था, जो कि इस भर्ती को हटा करके इसको परमानेंट यहाँ दोस्तों करने वाले, मतलब कि आरआरबी ग्रुप डी के थ्रू, आरआरसी के थ्रू दोस्तों वैकेंसीज निकालने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आईटीआई के छात्र हैं, अगर आपने आईटीआई किया है भाई, अगर आपने टेंथ भी पास किया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँ दोस्तों यहाँ पर, कि पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि आरआरसी ने क्या कहा था कि भाई, मैंने दो बार करा लिया विदाउट आईटीआई, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने विदाउट आईटीआई दो बार मैंने करा लिया है, एक बार कोविड के चलते, एक बार लोगों ने यहाँ पर ग्रीवेंस किया, धरना आंदोलन किया था, जिसके चलते करा लिया था। लेकिन मैं इस बार, इन लोगों ने आरआरसी ने कई बार नोटिफिकेशन भी चिपका दिया था, आप लोगों को देखा होगा कि उसमें सिर्फ जो भर्ती आएगी आईटीआई के थ्रू आएगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी भी आप विजिट करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा नोटिफिकेशन में कि आईटीआई टेंथ प्लस आईटीआई वाले ही इसमें एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो वैकेंसीज आने वाली है इतनी बड़ी बल्क में भर्ती, हैवी भर्ती, क्या इसमें सिर्फ आईटीआई के छात्र एलिजिबल होंगे या फिर टेंथ वाले, ट्वेल्थ वाले भी, नॉन टेक्निकल वाले भी एलिजिबल होंगे? दोस्तों बता दूँ, यहाँ पर जो गेटमैन की भर्ती मैंने बताया ना 15,000, ये टोटली हाई स्कूल पे डिपेंड है, टेंथ पास पे दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसीज को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस बार रेलवे ने प्लान बनाया है कि जो टेक्निकल वाले छात्र हैं उनको सिलेबस में नॉन टेक्निकल के अलावा टेक्निकल भी पूछा जाएगा, जैसे कि अगर आप टेंथ पास हो तो अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो आईटीआई किया रहेगा उसको ही पता है कि इसमें कैसे कैसे पेपर क्वेश्चन को हल करना है, तो इसलिए आईटी कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन टेक्निकल भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आया दोस्तों, ऐसा चेंजिंग बदलाव किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी साथी आईटीआई किया हुआ है उनको, उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, मतलब कि आपको एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है, अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या फिर आज तक, अभी तक आपको कुछ वैकेंसीज आपके हाथ नहीं लगी है, तो आप लोग इस भर्ती में अच्छा खासा आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। जो साथी यहाँ पर काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों इससे एक बेनिफिट ये होने वाला, नंबर ऑफ द कॉम्पिटेटिव यहाँ पर छात्र की कमी होगी दोस्तों। यहाँ पर एक और सवाल है कि रेलवे सोचती है कि क्या इतने इतने वैकेंसीज, इतनी बड़ी भर्ती में क्या इतने प्रॉपर आईटीआई वाले मिल जाएंगे? तो दोस्तों बता दूँ आपको कि बिल्कुल, यहाँ पर एएलपी का फॉर्म जो भराया गया था इसमें लगभग 15 लाख प्लस सिर्फ आईटीआई के छात्र थे, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इनफ यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार है, अगर आप वैकेंसीज निकाल रहे हो तो 100% यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई किए हुए हैं, आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो, सिर्फ बातें मत बनाओ भाई, सुन करके वीडियो मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिनको भरोसा नहीं है भाई वीडियो को स्किप करके आप निकल जाओ, ठीक है, जा करके आपको जो करना है करते रहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। हालांकि रेलवे का दोस्तों मूड के बारे में मैं नहीं जानता, उसका मूड कब बदल जाए, जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि सितंबर से अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, सितंबर से दिसंबर के बीच में भर्ती आरआरबी ग्रुप डी की जारी की जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आ गया है, ठीक है, तो दिसंबर तक भर्ती आने वाली है दोस्तों। भर्ती आने के एक या दो महीने तक आपको टाइम मिलता है, इसके बाद परीक्षा करा ली जाती है, हालांकि परीक्षा आपको देखना होगा कि एक एक साल तक भर्ती नहीं होती परीक्षा, इसकी भर्ती की परीक्षा नहीं हो पाती है, लेकिन दोस्तों यहां पर इस बार टाइमली कराने का प्लानिंग चल रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि बोलेंगे कि इतने सारी भर्तियाँ निकल चुकी है, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी एग्जामिनेशन, आरपी एग्जामिनेशन, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, बहुत सारे भर्तियाँ निकली, आखिर इतनी परीक्षा का एक बार कैसे हो पाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि परीक्षा एक बार होना असंभव है, लगभग एक साल तक समय लग सकता है इतनी सारी भर्तियों का परीक्षा कराने में, लेकिन हाँ यही है कि
प्रॉपर भर्ती आने का जो टाइम दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर है, कंटिन्यूसली भर्ती आ रही है। और जो RRC ग्रुप डी की भर्ती है दोस्तों वो भी आपको देखने के लिए जल्द मिलने वाला है। तो नॉन टेक्निकल छात्र भी यहाँ पर परेशान ना हो, जिन लोगों ने ITI नहीं किया हुआ है, 10th पास है, उनके लिए भी भर्ती आने वाली है दोस्तों। मतलब 15,000 से 20,000 पोस्ट आपको नॉन टेक्निकल वालों के लिए मिलेगा और 30,000 से 40,000 पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल वाले यानी ITI वालों को मिलने वाला है। तो लगभग 50,000 से 60,000 पोस्ट आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको सबसे फास्ट सबसे तेज न्यूज़ दोस्तों आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे पंकज एडुटेक। मिलते अगले किसी ने अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।